यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत कम समय बाकी रह गया है। प्रदेश में 10 मार्च को नई सरकार का ऐलान कर दिया जाएगा। इससे पहले सभी पार्टियां अधिक से अधिक वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए जी जान से जुट गई हैं। इस बीच बीजेपी ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए लखनऊ से अपना प्रचार वाहन रवाना कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय से चुनावी अभियान रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। और सहयोगी एहतिशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतिशाम, देखिए, क्योंकि बीजेपी ने उसने भी प्रचार रथ जो है वो रवाना कर दिया और अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अगर देखें अखिलेश यादव को, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे, उन्होंने भी युवाओं को फोकस किया है और जो लोग आए हैं पार्टी में उनका भी आज स्वागत करते हुए नजर आए थे। जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा लगातार गर्म होता चला जा रहा है। जिस तरह से मानसून कड़ाके की सर्द हवाओं के साथ बह रहा है, उसी तरह जो सियासी पारा है वो लगातार चढ़ता चला जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार रथ की रवानगी किया है। बाकायदा 403 प्रचार वाहनों को रवाना किया गया है बीजेपी पार्टी मुख्यालय से, जहां पर हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद थे। हम आपको बता दें कि लगातार इन प्रचार रथों के माध्यम से जो सरकार के 5 साल के कार्यकलाप हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने अच्छे काम किया है, उनको जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। और ये रथ के जरिए जो विधानसभा है उसमें इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग जिला के जिलाध्यक्ष करेंगे। साथ ही जो प्रत्याशी है उनकी डिमांड पर भी ये रथ वहाँ उनके क्षेत्रों में भ्रमण करेगा। चार रथ जो है वो रवाना कर दिए गए हैं और बहुत ज्यादा समय नहीं, और उसके लिए पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया एहतिशाम जानकारी के लिए।